सभी का स्वागत करती हूं समाधान इंडिया पर। झारखंड सरकार ने झारखंड में रह रहे ऐसे लोग जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनके लिए एक अच्छी योजना की शुरुआत की है। उन्होंने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में घोषणा करते हुए कहा है कि ऐसे लोग जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी 1 रुपये प्रति केजी के हिसाब से हर महीने हर एक व्यक्ति को 5 केजी राशन दिया जाएगा, जिसके लिए 213 करोड़ रुपए को मंजूरी किया गया है। वहीं हम आपको बता दें कि झारखंड के ऐसे स्टूडेंट जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट में टॉप किए हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने यह घोषणा करते हुए कहा है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट में टॉप किए हैं उन्हें ऑल्टो कार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 23 सितंबर को सभी को जो स्टूडेंट जो टॉप किए हैं उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। झारखंड में लगातार मौसम बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। लगातार मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर काफी तेज बारिश होने के कारण सड़कों पर पानी भर आया है, जिसके कारण लोगों को आने जाने में काफी कठिनाई का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं झारखंड में लगातार वज्रपात होने के कारण 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं काफी नुकसान का भी सामना लोगों को करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने झारखंड में 12 सितंबर तक हाई अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि 12 सितंबर तक भारी बारिश और वज्रपात की संभावना है। वहीं हम आपको बता दें कि झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या में रिकवरी देखने को मिल रहा है। झारखंड में रिकवरी रेट 70% पहुंच गया है और झारखंड में अब टोटल मरीजों की संख्या 11,400 पहुंच गई है। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए समाधान इंडिया के साथ।